पाकिस्तान में आज भी जंग आपस में लड़ी जा रही है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इंडिया दुनिया से लड़ रहा है। तेरा बाप आया। भारत नित नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया 150 बिलियन डॉलर 150 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करता है ये आईटी की, और दुनिया में अब कितना नाम है सऊदी अरब का टोटल तेल जो बेचता है 110 बिलियन डॉलर का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान पाताल लोक की तरफ धंसता जा रहा है। कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम? आप मुझे ये बताओ कि साल के 3000 रुपए के दे रहे, इस पे किसी की तवज्जो नहीं जाती? ये जो बैठे हुए यहाँ पे, ये अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई? इसीलिए पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है, भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहती है, और रिश्ते सुधार भी रही है। भारत को एक प्यारे बच्चे की तरह पूरी दुनिया ट्रीट करती है, जबकि पाकिस्तान के साथ एक गंदे बच्चे का जैसा ट्रीट करती है। इसी बात पर ये पाकिस्तानी जी रिपोर्टर है बड़ी दुखी हो गई है, बड़ी मायूस हो गई है। वो ये पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए निकली है, भारत से लोग अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ में काम करना चाहते हैं। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो पाकिस्तान के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का नाम सुनते हैं लोग दूर भाग जाते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं बैठना चाहता। ऐसे में ये पाकिस्तानी पत्रकार पब्लिक के बीच में गई और पब्लिक ने क्या राय दी है तो वो देखते हैं। इंडिया की स्ट्रगल और पाकिस्तान की स्ट्रगल में जमीन आसमान का फर्क है। आज इंडिया अगर यहाँ और पाकिस्तान यहाँ है, उसकी क्या वजह है? तो पाकिस्तानी पब्लिक ने राय दी है तो फिर थोड़ा बहुत तो आनंद आएगा ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? बख्तावर नौरीन। मोहम्मद इब्राहिम। अज़ीज़ रहमान। सदाकत हुसैन। मेरा सवाल आज का आपसे ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, और ऑन अनदर हैंड साइड अगर हम देखें तो इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली पाकिस्तान काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्या रीज़न हैं इसके पीछे? अच्छा, मेरे ख्याल से, वैसे मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करती, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसकी रीज़न ये है कि हम सारी बात हुक्मरानों पे नहीं डाल सकते। हमारी जो आवाम है, जो हमारी पब्लिक है, ये भी हिल के राज़ी नहीं। किसी बंदे ने मेहनत नहीं करनी। अगर बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए, स्पेशली ब्रॉड साइड पे देखा जाए, तो लोग बहुत मेहनती होते हैं, हर बंदा अपना एक पार्ट और रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सब ने बात करनी है, लेकिन किसी ने अपने कंट्री के लिए कुछ करना नहीं है। हम सब ने बैठना है, बैठ के बातें करके उठ जाना है, लेकिन हमने उसके लिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं करना, कुछ ऐसा प्रोग्रेसिव नहीं करना कि जिससे हमें लगे कि शायद हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो बेटर हो सकती है या हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रही है मोहतरमा। मोहतरमा ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो ये देखती है अपने समाज में, अपने आसपास के अंदर, तो इसको ऐसा लगता है पाकिस्तानी आवाम सिर्फ बेहतर हूरों की दीवानी है, कोई काम करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आसमानी किताब आखिरत में अपना यकीन रखती है, लेकिन ये खुल के नहीं बोल पा रही है क्योंकि एक इस्लामी कंट्री में रहती है। लेकिन इसके बोलने का मतलब यही था कि मुझे तो मोहतरमा की बातों से यही अंदाज़ा लगा, आपको क्या अंदाज़ा लगता? तो वो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, करें। हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा है, बेशक आपस में यहाँ पे अगर हम भी जंग लड़ रहे हैं ना, तो वो उनकी वजह से ही लड़ रहे हैं। हम गरीब हो रहे हैं या अमीर हो रहे हैं या हमारे करियर मुश्किल में, तो उनकी वजह से है और कुछ भी नहीं है। हम बस यही कहेंगे कि हमारे इस मुल्क को इन्होंने बहुत गंदा कर दिया, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ महंगी कर दिया। आप कुछ लेने चले जाएं आज के दौर में, आप एक चीज़ लेने जाएंगे तो वो आप आधी लेंगे, बहुत मुश्किल हो गई है मुल्क में। इसके पीछे रीज़न यही है कि उधर जो है, जैसे मोदी इसका उसका उसकी मेहनत का मजाक बनाया जाता है कि वो चाय के कप धोता था और इस तरह से, पर इन केस ऑफ पावर पाकिस्तान देखा जाए तो यहाँ जितना मर्जी मेहनती इंसान हो, वो जब एक दफ़ा कुर्सी पर आ जाता है, उसका यही कोशिश होती है कि दोबारा तो नहीं आ सकते, एक दफ़ा आ गए बस अपना बैंक भर लूँ, नस्लें संवर जाएँ और ख़त्म। सिर्फ यही वजह है जो अब तक, और बकाया एक हुक्मरान की और आवाम के एक कुछ कनेक्शंस होते हैं जो बहुत कम है यहाँ पर पाकिस्तान में, बहुत कमी है इस चीज़ की। उसके अलावा बकाया जो मर्जी हो जाए, इमरान खान को ही वोट देना है। उम्र के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से बंदे ने जो भी बोला ठीक है, लेकिन निकला ये भी इमरान खान का ही चमचा। हम लोग अगर उनके स्कीम्स को देखें, जो कि उन्होंने रूस के साथ एक डील कर रहा था कि हम लोग 30% कम रेट के ऊपर क्या कर रहे थे, फ्यूल परचेज करना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने रूस से 30% कम रेट के ऊपर फ्यूल परचेज किया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, फ्यूल की प्राइसेस कम करके अपनी आवाम को रिलीफ देने। स्मार्ट वर्क। जी जी, ऐसे ही कहेंगे कि हम लोग, उन्होंने स्मार्टली प्ले किया, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया और अपनी आवाम को रिलीफ दिया। अभी इस टाइम अगर हम लोग देखें, अब जिस बंदे की यहाँ पे
जो दिहाड़ीदार तबका है, जैसे कि हम लोग देखेंगे उसकी इनकम 800 रुपया या 1000 रुपया पर डे है, 1000 रुपये के अंदर वो किस तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकता है? सबसे पहले तो मैं भाई साहब को बता दूं, जो रशिया से भारत का तेल आ रहा है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से आ रहा है, और ये मुआहदा जब से तय किया हुआ है जब ये रूस और यूक्रेन की जंग भी नहीं हुई, और तुमको कभी भी रूस ने नहीं कहा कि तुमको सस्ता तेल मिल जाए। ये पाकिस्तान के तत्कालीन वजीर आजम कटोरा खान जी ने अपने मुँह से अपनी बढ़ाइया हाकी थी, जो कि रूस ने साफ इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कभी पाकिस्तान से प्रॉमिस नहीं किया। अबे साले, अच्छा वहाँ का ये है कि मेरे ख्याल से जो उनके हुक्मरान हैं वो आवाम का ख्याल करते हैं, और उनकी आवाम जो है वो भी इतना ज़्यादा हुक्मरानों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो लोग ख़ुद भी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ के लिए मतलब के ज़िम्मेदारी हुकूमत को ही देते हैं, वो लोग मेहनती हैं, मेरे ख्याल से वो लोग मेहनती हैं और वो अपने लिए उठ के खड़ा होना और स्टैंड लेना और अपने लिए कुछ करना जानते हैं। इंडिया में बेसिकली आवाम की भी सुनते हैं, आवाम बेशक उधर गरीब है जो भी है उसकी सुनते हैं, वहाँ पे पेट्रोल हर महीने हर 15 दिन बाद महंगा नहीं होता। आप अगर ये देखें इंडिया की आवाम कॉपरेट करने वाली है, हम मुसलमान हो के भी कॉपरेट नहीं कर सके एक दूसरे के साथ, बहुत मुश्किल है हमारे मुल्क में, बहुत मुश्किल। लाना थे तुम पे सालो, तुम मुसलमान हो के एक दूसरे का कॉपरेट नहीं कर रहे, तुम्हें फिर बेहतर हुरे नहीं मिलेगी तुम। अच्छी अच्छी कपड़े पहनने के बाद भी अंदर का सब कुछ दिख जाता, वो नहीं मिलने वाली भैया। अच्छा इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर बहुत मेरे पास थोड़ा सा इसका नॉलेज है कि शायद BMW ने एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ के उसके सारे एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान से लिए जाएंगे और बाद में इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ मशीनें जो भी चाहिए होती हैं वो यहीं पाकिस्तान रह जाएंगी, तो तब भी शायद नवाज शरीफ की हुकूमत ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, पर सिर्फ कुछ घंटों के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने ले लिया। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उनकी इकोनॉमी पावर ज़्यादा है, हर लिहाज से वो आगे हैं, मेहनती हैं, पर पाकिस्तान ईगो प्रॉब्लम आ जाए। हाँ ईगो प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पर देखा जाता तो अगर BMW एक बहुत बड़ा ब्रांड है कार्स का तो काफ़ी तरक्की करता है पाकिस्तान देख पर, और इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डाउन है, फिर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ तो तुम पैदाइश ही हो, अगर बेवकूफ़ ना होते तो 75 साल पहले भारत से अलग ही ना होते, तुमने वहाँ पे पाकिस्तान नहीं बेवकूफ़तान बना रखा, और जहालत की तुम्हारे पास में कोई कमी नहीं है, अब बैठ के माइक लेके घूमती रहो इधर उधर। जैसे ही अवाम होते हैं ना वैसे ही अल्लाह उसी के मुताबिक कुरान मुसल्लत करता है, कुरान में इरशाद है, इट्स मीन कि हम में कोई फॉल्ट है, ठीक है। 72 सालों से यही हुक्मरान चेंज होते हुए आते हैं, कभी PMLN के शक्ल में, कभी PPP की शक्ल में, कभी PTI की शक्ल में, वो आके अपने अपने बातें करते हैं, आवाम से वादे करते हैं मगर निभाते कुछ भी नहीं। इट्स मीन हम बेवकूफ़ हैं, आवाम बेवकूफ़ है, इसी वजह से बस उनकी बातों में आ जाए। पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है, और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में क्या विचार बन रहे हैं अभी, और आपके दिमाग में कौन से कीड़े खुल बुला रहे हैं, उन कीड़ों को कमेंट बॉक्स में फेंक जाइए। और दो चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना, हैशटैग मत लगाना, हैशटैग वाले कमेंट्स नहीं जाते हैं, दूसरा गाली गलौज मत करना। अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपके कमेंट स्पैम में चले जाएंगे। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक को फॉलो कर लीजिए। आपका भाई आपके लिए 5 मिनट रिलेटेड लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।